स्वागत है गाइज मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल एडिटिंग। तो गाइज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, सपोर्ट करो गाइज। तो इस वीडियो में जो भी मटेरियल को यूज़ किया गया है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज, तो आपको एक ही चीज़ करना है, वो है सब्सक्राइब एंड लाइक। लाइक जरूर करना है आपको, कमेंट भी जरूर करना है। तो चलते चलते मोबाइल की स्क्रीन पर बिना किसी देरी के तो चलिए। तो गाइज आपको मटेरियल डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती होगी तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक है, फॉलो करो। मैं जिस वीडियो को एडिट करता हूँ उस वीडियो को इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर देता हूँ, तो उस वीडियो को भी देख लेना एंड फॉलो भी कर लेना गाइज ध्यान से इंस्टाग्राम पर। तो चलिए चलते इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको 9.16 का रेशियो सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो से, जिस भी फ़ोटो से स्टेटस बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फोटो से स्टेटस बनाना चाहता हूँ, उस फोटो को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है। कैंची के साइड में जूम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके इस फोटो को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना। मैं इस फोटो को जो है जूम कर लेता हूँ गाइज। तो मैंने इस फोटो को जूम कर लिया है, इस वाले ऑप्शन को पे क्लिक करके दोनों फोटो को जो है सेम कर लेना है, वरना हमारा फोटो जूम आउट हो जाएगा गाइज। तो कट कर देना है आपको इसकी ड्यूरेशन साइज, जिधर तक आप स्टेटस बनाना चाहते हो गाइज उधर तक लिखे जानिए। तो मैं इधर तक स्टेटस बनाना चाहता हूँ, मैंने इधर तक इसकी ड्यूरेशन साइज को खींच लिया है गाइज। आपको क्या करना है, कट कर देना है, लेयर पे जाना है, देन एफेक्ट्स के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है गाइज। क्लिक करने के बाद ब्लर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है, आपको गोशियन ब्लर वाला जो है इफेक्ट यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या कट कर देना है, देन इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सेटिंग के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको 4 पर लेके जाना है गाइज। 4 पर लेके जाने के बाद कट कर देना है, देन ब्लर वाले की ड्यूरेशन साइज बढ़ा देनी है। बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, लेयर पे जाना है, देन मीडिया के ऊपर जाना है। आपको फ़ोटो क्रॉप करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल वीडियो बनाया गया, तो जाओ उस वीडियो को देखो। फ़ोटो आपको कट करना नहीं आता, बैकग्राउंड कट करना नहीं आता तो उस वीडियो को देखो, कट करना आता है तो बने रहो गाइज। तो चलिए हम इस फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है गाइज हमने। तो गाइज इसको कुछ स्टेप से जूम कर लेना है, फोटो को कुछ स्टेप से जूम करने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप से जो है सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, लेयर पे जाना है, देन मीडिया के ऊपर जाना है। आपको ब्लैक शैडो यहाँ पर एडजस्ट कर लेनी है, मैं यहाँ पर ब्लैक शैडो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको कुछ स्टेप से जूम कर लेना ब्लैक शैडो को, देन थोड़ा जूम कर लेना गाइज, देन इसको कुछ स्टेप से इधर नीचे लाना है आपको, यहाँ पर ला के छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, देन शैडो की ड्यूरेशन साइज को आपको वीडियो को लास्ट तक लेके जाना है। लास्ट तक लेके जाने का जो हमने बैकग्राउंड रिमूव वाला फ़ोटो लिया था उस फोटो को यहाँ पर इसकी भी ड्यूरेशन साइज वीडियो को लास्ट तक लेके जाने, लेके जाने के बाद आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चमके वाला यहाँ पर वीडियो जो है सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम लेयर पे जाएंगे, देन मीडिया के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक चमके वाला जो है वीडियो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन पर, आपके साइड में क्लिक कर देना है, फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपको क्या करना है, कट कर देना है, नीचे जाना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाके इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, कट कर देना है, देन जो हमने चमके वाला वीडियो लिया था उस पर क्लिक करके नीचे जाना है। आपको नीचे जाने के बाद एडजस्टमेंट पे जाना है, यहाँ पर क्वालिटी वाला ऑप्शन फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, कट कर देना है, कट कर देना है, देन लेयर के ऊपर जाना है, मीडिया के ऊपर जाना है। हम इस वीडियो में जो ऑडियो इस्तेमाल कर रहे हैं गाइज, इसी वीडियो में हमारा ऑडियो होगा टेक्स्ट वीडियो में गाइज, तो उस वीडियो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते ब्लैक स्क्रीन टेक्स्ट सॉन्ग वीडियो गाइज, इस वीडियो को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके ना गाइज इसे स्क्रीन कर देना है, कट कर देना है, कट कर देना है,
इसको लेयर को नीचे की लेयर को आगे खिसकाने का है थोड़ा गाइज, कुछ इस टाइप से। उस वीडियो पर क्लिक करना है जिसने जिस वीडियो को हमने अभी लिया उसको थोड़ा जूम कर लेने का गाइज, कुछ इस टाइप से इसको नीचे लेके आने का, बीचों बीच में रखने का गाइज, साइड में जाना नहीं चाहिए तो हमारा स्टेटस अच्छे से बनेगा गाइज। बीचों बीच रखना है गाइज आपको, साइड में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। देख सकते हो आप मैंने इस कुछ इस टाइप से इसको सेट कर लिया है गाइज। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कैंची के ऑप्शन पे जाके ट्रिम राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है, कट कर देना है गाइज आपको। अब यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हो यहाँ पर गाइज, तो आप लगा लेना। तो मैं लेयर पे जाऊँगा, देन मीडिया के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर एक वीडियो बॉर्डर ऐड कर लेनी। मैं यहाँ पर वीडियो बॉर्डर को ऐड कर लिया हूँ। स्प्लिट स्क्रीन पर जाना है, आपके साइड में क्लिक कर देना है, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, कट कर देना है आपको। देन जाना है नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके ना गाइज इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, इसकी ड्यूरेशन साइज आपको बढ़ा लेनी गाइज, वीडियो के लास्ट तक लेके जाना है। तो मैं इसकी ड्यूरेशन साइज पूरे वीडियो में लगा चुका हूँ गाइज, तो कुछ इस टाइप से इसकी ड्यूरेशन साइज को रखना है। तो आपको क्या करना है, अब हमारा जो वीडियो अच्छे से बन के रेडी हो गया गाइज। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है प्ले करके आपको दिखा दें, तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है आपको प्ले करके दिखा दें। चैनल के ऊपर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिएगा गाइज। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर कर देना। तो मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।